बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की सच्ची कहानी बलबन से मुतालिक है। बलबन का असल नाम गयासुद्दीन है और इसका दौर हुकूमत 665 हिजरी तक है। 1266 ईस्वी से 686 ईस्वी हिजरी और 1287 ईस्वी सल्तनत दिल्ली का फरमान रुबा खानदान गुलामा का एक नामवर बादशाह तुर्कों के कबीले बरी से ताल्लुक रखता था। बलबन का बाप अपने कबीले में अच्छी हसीयत था, मालिक था। लड़कपन में उसे मंगोल पकड़ कर ले गए और गुलाम बनाकर बेच दिया। एक रिवायत के मुताबिक बलबन मंगोलों के हमलों में गिरफ्तार हुआ और बगदाद में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा, जो उसे दिल्ली ले आए। यहाँ शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया और उसकी जहानत और फतानत की वजह से चहलकाना गुलामों में शामिल कर लिया। रजिया सुल्ताना ने बलबन को अमीर शिकार बनाया। बहराम ने उसे रेवाड़ी और हाथी बतौर जागीर अता की। मसूद और नासरुद्दीन महमूद की हुकूमत में बलबन को गैर मामूली हसीयत हासिल हुई। वे दोनों बादशाह उसके दामाद थे। खुद बलबन अल्तुतमिश का दामाद था। इस तरह बलबन का घराना अल्तुतमिश के घराने में मदगम हो चुका था। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना नायब बनाया। इससे कबल बलबन मंगोलों के हमलों कामयाबी से रोक चुका था और तरकश उमरा के खिलाफ अपने हुस्ने तदब्बुर से सिक्का बिठा चुका था। बलबन की नजर में बादशाह का मकाम बहुत आला और अरफा था। वो कहा करता था कि बादशाही नाम है इज्जत व अजमत और हुरमत व हशमत का। वो समझता था कि जब बादशाह की अरफत हसीयत तस्लीम न होगी, लोगों में अतात और फरमाबरदारी का जज्बा पैदा न होगा। इस मकसद के पेश नजर अपने किरदार और अखलाक को सुधारा ताकि लोग उसे इज्जत की निगाह से देखे। बलबन ने अपने मुखालफों और सरकशों को बड़ी सख्ती से दबाया। जिसने जरा भी सर उठाया बलबन ने उसे कुचल कर रख दिया। अपनी सल्तनत को मंगोलों के हमलों से महफूज रखने के लिए शुमाली और शुमाल मगरबी सरहदों को खूब मुस्तहकम किया। 1270 ईस्वी में खुद लाहौर आकर शहर और कले को अक्सर नौ मुस्तहकम किया और इन सरहदों की हिफाजत के लिए अपने लड़के शहजादा मोहम्मद को मुकर्रर किया। तुगरल खान हाकिम बंगाला, जो बलबन का गुलाम था और जिसे उसकी शुजात की वजह से हाकिम बंगाल बनाया गया था, 1279 में अलम बगावत बुलंद किया। सुल्तान मुगीसुद्दीन के लकब से बंगाल का खुद मुख्तार हुक्मरान बन बैठा। बलबन ने उसकी सरकोबी के लिए पहले अमीर खान को भेजा, लेकिन जब उस तुगरल से शिकस्त खाकर वापस आया तो खुद बलबन उसके मुकाबले पर निकला। जब तुगरल ने यह खबर सुनी तो जनूब मशरे की तरफ भाग निकला। बादशाह गिरफ्तार हुआ और कत्ल कर दिया गया। बलबन ने बड़ी सख्ती और दुरुस्ती से बगावत को खत्म किया। बलबन एक गैर मामूली शख्सियत का हामिल इंसान था। जिस शान शौकत और दबदबे से उसने बादशाहत की, बहुत कम फरमानरवाओं को नसीब हुई है। उसने अपने अजम से सल्तनत दिल्ली को कुवत और वकार बख्शा। ये बात भी अब हद मुस्तहसन है और तारीफ के काबिल है कि जहाँ सरकशी और शौर्य पसंद लोग उसकी दुरुस्त मिजाजी
और तख्त गिरी से कांपते थे, वहाँ आम रियाया के लिए वो मुझ में बाप की तरह था। उसकी मौत पर रियाया ने 40 रोज तक शोक मनाया। बलबन ने सल्तनत दिल्ली को ऐसे जमाने में महफूज व मामून किया जब मंगोलों ने सारी इस्लामी दुनिया को तहरबाला कर रखा था। बलबन की नजर में सल्तनत का इस्तकाम उसकी तौसी से ज्यादा खर्च रखता है। वो एक मुदब्बिर और बाहिम्मत सिपा सलार था और बाद में होशमंद और रोब जलाल वाला हुक्मरान साबित हुआ। वो शौकत और दबदबा को लाजमी जहादात समझता था। वो एक नेक और परहेज़कार बादशाह था। मशायख और अहले इल्म का एहतराम करता था। उलमा और मबाइत की मजालिस में शरीक होता था। उसे हिंदुस्तान के अजीम मेहमानों में शुमार किया जाता है। हिंदुस्तान में शोरस को खत्म करने के लिए बलबन ने जब इक्तदार संभाला तो उसने जासूसी का एक महकमा कायम किया जो उसको बलबन की खबर दिल्ली भेजता था और दूसरे दिन लोगों की पेशी दिल्ली में होती थी। इसके अलावा उसने दरबारी रेशा दवानियों को खत्म करने के लिए बड़े लोगों की उम्रा में शादियों पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि कोई आदमी दूसरे अमीर आदमी के घर उस वक्त तक रिश्ता तय न करे जब तक उससे इजाजत न ले ले। कमरे में जहाँ बैठता था वहाँ दो हटे कटे पक्षी बड़े जिस्म वजूद वाले तलवार लेकर खड़े होते थे और दूसरे लोगों को वहाँ जाकर जब वो देखते थे तो उनका पिता पानी होता था। पूरे मुल्क में डाक का इंतजाम किया और एक दिन में डाक की दिल्ली पहुंच जाती थी। बलबन ने मेवाड़ के डाकुओं को भी अच्छा सबक सिखाया और वहां पर उसने उनके खिलाफ फौज भेजी और जब फौजियों को डाकू हाथ ना आए तो उन्होंने दरख्तों को कटाने का हुक्म दिया क्योंकि वहाँ बड़ा जंगल था और उस जंगल में डाकू छुपे हुए होते थे, लोगों को लूटते रहते थे। तो उसने तमाम जंगल को कटवा कर जब जंगल कट गया तो सारे डाकू बैर आ गए और उसने उनके सर कलम कर दिए। विवाद में आज भी कोई डाकू नहीं, तो उसकी वजह यह है कि बलबन ने जो डाकू का कला कमा किया था वो एक तारीखी हकीकत है। तो ऐसे बादशाह जो रियाया के लिए मुझ पे बात की हैसियत रखते हूँ और दुश्मनों के लिए गरी हूँ, तो ऐसे ही लोग हम बादशाह कामयाब होते हैं। तो यही हाल बलबन का था। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमंग क्या है, शमशीर सनावल ताऊस रुबाब आखिर। बलबन बड़े आला इखलाक और किरदार संभाले बादशाह था जिसका कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उसने अपने किरदार की वजह से पूरे हिंदुस्तान पर आला हुकूमत की। अल्लाह ताला हम सब का हानियों ना करो। वस्सलाम।